नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष कुमार पांडे और इस समय हम गांधी मैदान में स्थित पटना पुस्तक मेला के परिसर में बैठे हुए हैं और यह बातचीत जो आप सुन रहे हैं यह बातचीत द फ्रीडम के लिए है और आप इसे सुनिएगा देखिएगा। फिलहाल मेरे सामने हैं आरजे शशि जो रेडियो मिर्ची में अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय से इनका मैं श्रोता भी रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक श्रोता होने के बाद मैं इनसे बात कर रहा हूं। आप जब रेडियो सुनते हैं तो आप एक उसके प्रसारक से जुड़ते हैं, आप उसको विजुअलाइज करना होता है उसकी आवाज़ों को सुन करके, आप उसे कभी देखते नहीं हैं लेकिन बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आप जिसे सुनते हैं वो मिल जाता है। इस दौर में जब रेडियो अपने आखिरी समय में लगभग कही जा रही है कि डिजिटल रेडियो डिजिटल हो गई है, विभिन्न माध्यमों पर आ गई है, रेडियो का जो यंत्र होता था और बाज़ार में अब अनुपलब्ध है, यहाँ तक कि अमेजन पर भी जहाँ गोईठा तक मिल जाता है रेडियो नहीं मिल पाती है। हम इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे आज आरजे शशि से। सबसे पहले तो शशि आप ये बताइए कि आपको रेडियो से जुड़ाव कब हुआ और आप आए तो कितना रेडियो तब तक बदला था? देखिए, जिस समय हम बिल्कुल बच्चे थे, स्कूल टाइम से भी पहले की बात बता रहे हैं, तो हमारे दादाजी के पास एक रेडियो हुआ करता था जिसमें एरियल लगता था और सुबह में उठ कर के समाचार और विविध भारती ये सब कानों में आवाज़ सुनाई देती रहती थी। सिबा का गीतमाला, इन सब चीज़ों के साथ हम बड़े हुए हैं। उसके बाद फिर केबल आया, प्राइवेट चैनल्स आए, धीरे धीरे रेडियो जो था वो डिसॉल्व होता चला गया। फिर नए टेक्नोलॉजी आ गए, सीडी आ गए, तरह तरह के सिस्टम्स आए। लेकिन आपको बताएं कि 2006 में जब रेडियो मिर्ची बिहार में लॉन्च होना था, पटना में लॉन्च होना था, तो उस समय हमारा सिलेक्शन हुआ। और क्योंकि हमारी मानसिकता, हमने सुना था अभी तक जितने गवर्नमेंट जो रेडियोज़ हैं उन्हें ही सुना था, तो थोड़ी सी हमारी कल्पना थी उसी को लेकर के थी कि क्या वैसे ही है, लेकिन प्राइवेट FM उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट था, डिफरेंट है भी, क्योंकि आप उसमें आकाशवाणी हो, उसमें बहुत सारे विविधताओं को आपको पार करना है, बहुत सारे शब्द हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्राइवेट FM में आपको ये लगता है कि इसमें बहुत फ्रीडम है। फ्रीडम के लिए बात करें, इसीलिए फ्रीडम की बात बता दें कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है कि आप उनसे उस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी अपने पुराने दोस्तों से बात करते हैं, तो उस तरीके से हम रेडियो पर बात करते हैं। बस हमारी कल्पनाओं में ये रहता है कि लाखों लोग जो हैं वो हमारे पास में बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। मैं ये जब आपसे बात कर रहा हूँ इस पे मैं बात करूँगा कि FM पर क्या भाषा की बदलाव हुई है, लेकिन मैं सबसे पहले मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि जब आप जवान हो रहे थे और उस समय रेडियो सुन रहे थे तो रेडियो का स्वरूप बदलने का कहीं अंदाज़ा था आपको कि मतलब वहाँ पर कहीं गूंज स्वर थी? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में जब भी जाते थे तो वहाँ तो प्राइवेट FM सुनाई देता ही था, वो तो बहुत पहले से है, तो लगता था कि ये काश ये अपने पटना में भी होता, तो फिर इसका विस्तार हुआ। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हम दिल्ली या मुंबई जाते थे तो वहाँ पर बहुत सारे चैनल्स हमें सुनाई देते थे। उस समय हमारा पटना ग्रोइंग पीरियड में था, जिस समय ग्रोइंग पीरियड में था उस समय उसके प्राइवेट FM का आना शुरू हुआ, मिर्ची का यहाँ पर आगमन हुआ, तो उसके बाद से एक बहुत बड़ा चेंज आया यहाँ पर रेडियो को लेकर के। जो लोग यहाँ तक कि आपको बताएं कि पटना के बाकरगंज में भी जाते थे रेडियो ख़रीदने के लिए, हम गए थे हमारे चैनल को लॉन्च होने के बाद, तो वहाँ पर रेडियो सेट पर लिखा हुआ था मिर्ची। अच्छा तो लोग रेडियो ने क्या चाहिए भाई, मिर्ची चाहिए। तो मुझे लगा कि एक सब्जी के मार्केट में मिर्ची मिल रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक के दुकान में मिर्ची मिल रहा है, तो लोग इससे काफ़ी ये हुआ कि लोग रेडियो का नाम मिर्ची से जानने लगे, तो ये काफ़ी अच्छा लगा, ये बहुत बड़ा चेंज था। रेडियो
का अब, लेकिन आपको संभवतः कि रेडियो का माध्यम बदला है, अब लोग मोबाइल में सुनने लगे हैं रेडियो, और जो सारी जो चीज़ें थी वो एफएम में कन्वर्ट हो गई। बहुत सारे हम तो विविध भारत बीबीसी भी देख रहे हैं कि वो एफएम में प्रस्तुत कर रहा है, और विविध भारती भी एफएम में आ ही रहा है, लेकिन जो रेडियो का कंटेंट है और जो अन्य जो रेडियो का मानक हुआ करता था उसमें कुछ शिथिलता तो आई होगी, क्या महसूस करते हैं? देखिए क्या होता है कि चेंज जो है, बदलाव जो है, वो प्रकृति का नियम है। आज भी नहीं, पहले आकाशवाणी हुआ करता था, फिर प्राइवेट ने जगह बदली है, अब जो है वो डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पहले था कि लोग अपने मोबाइल पर भी एफएम सुन लेते थे, ठीक है ना, अब इंटरनेट पर सुन रहे हैं, डिजिटल पर ज़्यादातर जा रहे हैं लोग। लेकिन अभी भी गाड़ियों में जो होता है, गाड़ी में जब आप बैठते हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, तो एफएम पर ही जाता है आपका। अब क्यों वो चलता रहता है, क्योंकि आप में कंटेंट में आपको क्या होता है, देखिए एक प्राइवेट आप देखेंगे तो वो लोकल चीज़ बताते हैं, आप हम लोग क्या प्रेजेंट करते हैं, अपने पटना शहर में क्या हो रहा है। रेडियो एफएम इज़ लोकल मीडियम, वो लोकल मीडियम है। जैसे हम जा रहे हैं तो कभी कभी ट्रैफिक की जानकारी देते हैं, भैया डाक बंगला जाम है, इधर से मत जाइए, छज्जू बाग से निकल जाइएगा। तो क्या हो रहा है, गाड़ी में बैठे हुए लोग जो है उनको जानकारी मिली है कि अच्छा मुझे इधर नहीं ऐसे निकलना है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों वाले ही फंसते हैं, बाइक वाले तो निकल जाते हैं, बड़ी गाड़ियों वाले ही फंसते हैं। तो अभी जो हो गया है कि ठीक है, वो शिफ्ट हो गया है लोगों के घर से निकल के, अब गाड़ियों में शिफ्ट हो गया है। ये चेंज होना है। अब कंटेंट का जहाँ पर मामला है, कंटेंट आप जितना लोकल रखिएगा, जितना अपनों से जोड़ करके आप रखेंगे, उतने ही लोग आपको अपना करके रखेंगे, कंटेंट वही है। लेकिन मीडिया जो समीक्षक और रेडियो समीक्षक बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें वो कहते हैं कि वो एफएम वाले दूसरे लोगों के, दूसरे माने लेखकों के कंटेंट अपने नाम से प्रस्तुत कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है उनका। क्योंकि देखिए, बिंग आरजे रेडियो जॉकी, हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी आप हमारा लिंक जो होता है, जो भी हम लोग बोलते हैं, वो हर दो गाने के बाद बोलना होता है, और हम कोई ऐसी बातें करते ही नहीं कि हाँ, अगर हम आपकी कविताओं को दो लाइन ले रहे हैं तो हम वहाँ पर कर्टसी में डालते हैं नाम कि फलाने इनके अनुसार इन्होंने कहा था, फराज साहब ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था, गालिब साहब ने ये कहा था। तो अब गालिब साहब क्या उनके आकर के लोग बोलें कि भाई हमारे से तो आपने चुरा लिए, ऐसा तो नहीं होता है। भाई आप एग्जांपल देते हैं आपके, भाई फलाने किताब में एक मैंने पढ़ी थी, ये चीज़ लिखा हुआ था, तो ये कंटेंट चुराना नहीं बोलते हैं आपको, तो और नहीं नहीं, उन लोगों का जो मैंने समीक्षकों ने लिखा है, आके बिना नाम लिए बहुत सारे लोगों के लेख और एथी पढ़ दिए जाते। लेख का मतलब ये होता है कि कोई विषय पर वो सारी बातें रख देते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं पिछले 14 सालों से मैं प्राइवेट एफएम अपना रेडियो मिर्ची में हम काम करते हैं, प्राइवेट एफएम में हमने बहुत देखा है, बहुत दोस्तों से भी मिलते हैं, और इसमें जितने लोग चुन करके आते हैं दे ऑल आर क्रिएटर्स, वो अपने आप में एक बहुत बड़े क्रिएटर होते हैं, क्रिएटिव राइटर होते हैं। तो हर एक जो दूसरा लिंक बोलेंगे, हर एक जो दूसरा रेडियो पर बोलना है वो डिफरेंट होता है, उनका बोलने का अंदाज, उनका कहने का अंदाज, उनके शब्दों का चयन, उनके सोचने का थॉट प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल भी अलग रहता है। अगर हम लोग कोई सीरियस चीज़ भी बोल रहे हैं तो उस इमोशन के साथ रखते हैं जो एक रेडियो जॉकी फील करता है, और ये कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है कि हमारे कंटेंट को लिया, चोरी करके बोल दिया। अच्छा, हम विषय को थोड़ा बदलते हैं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे टेलीविज़न चैनल में तो लोग जाने पहचाने चेहरे होते हैं, बहुत सारे जगहों पे होते हैं, लेकिन रेडियो में कोई चेहरा नहीं देखता है, इससे आपकी आवाज़ से पहचान की जाती है। ये कभी कैसा महसूस होता है जब कोई श्रोता यह जानता है कि यह आरजे शशि है, ये बीबीसी के राजेश जोशी है, ये क्या मतलब लगता है कि पहचान पाता है? देखिए, ग्लैमर तो एक आपके पास रहता ही है, ग्लैमर आवाज़ के जरिए है, ग्लैमर जो है वो आपको टीवी पर भी आने वाले लोग भी ग्लैमर में रहते हैं, आप अपने ग्लैमर को कितना थाम कर रखते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है।
आपको बताएं कि जब पटना में पहली बार एफएम खुल रहा था और एज अ रेडियो जॉकी मुझे जब मौका मिला था, अभी भी लोग आते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, तरह तरह से वो अपना प्यार दर्शाते हैं। आप उसमें उस होड़ में लग जाते हैं कि मुझे और ज़्यादा लोग जाने, मुझे मेरी चीज़ों को से सुनी हुई चीज़ों को लोग तारीफ़ करें। जैसे हम इसके अलावा प्रैंक वीडियोज़ भी बनाते हैं, मेरे फेसबुक पर चलते हैं मिर्ची शशि के नाम से, इस पर हम बनाते हैं, तो अब लोग चेहरे से भी लोग जाने लगे हैं, क्योंकि अब आरजे के पास सिर्फ एक चैलेंज नहीं रहा है, अब आरजे के पास ये भी चैलेंज हो गया है कि वो अपने क्रिएटिव को कितना ज़्यादा तक फैला सकता है। तो आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कीजिए, आप रेडियो का भी इस्तेमाल कीजिए, अब दोनों चैलेंजेस हैं मेरे पास कि अब हम प्रैंक वीडियोज़ भी बनाते हैं लोगों को खुश करने के लिए, मिर्ची पर भी सुनाते हैं, तो दोनों जगह आपको दिखना भी है, आपको सुनाई भी देना है। सुनाई देने वाले लोग जब जाते हैं, हम आरा, छपरा, जहानाबाद, ये सब जगह जहाँ पर अभी भी रेडियो लोग अपने दुकानों में सुनते रहते हैं, वहाँ पर भव्य स्वागत होता है हमारा, लोग जान जाते हैं कि अच्छा ये शशि है, आवाज़ से तो नहीं लोग पहचानते कि अच्छा यार यार ये शशि है, तो उनका जो प्यार मिलता है तब आपको एक हिम्मत मिलती है कि यार इतने लोग प्यार करते हैं और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे और भी इतना खुश रखेंगे कि बंदा वो हमेशा। एक प्रैंक पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कभी कभी हम रेडियो सुनते हैं और कभी बहुत सारे एफएम चैनलों को मैं सुनता हूँ और आपके भी मैं प्रैंक सब सुनता हूँ और ये सब देखता भी हूँ, ये कभी ऐसा होता है कि नहीं है कि किसी बंदे को बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब वो इरिटेट हो गया और वो इरिटेट हो जाने के बाद, ये तो है कि रेडियो पर प्रसारित होते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं, लेकिन वो भयानक तौर पे जैसे लोग फ़ोन करते हैं आरजे और ये उनको बोलते हैं मुर्गा बना, हाँ हाँ, तो वो आपको क्या लगता है कि कभी मतलब अपने खुद परेशान होते हैं कि नहीं, या कि नहीं वो ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि कभी कभी सुनने में ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया। देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी भी चीज़ को सुनते हैं, जब वो बंदा लास्ट में पता चलता है कि अरे यार इसने मुझे बना दिया, तो सामने वाला बंदा भी खुश हो जाता है कि अच्छा मेरे साथ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब आप रेडियो पर अगर शशि किसी को फ़ोन करके बोल रहा है, वो आवाज़ बदल करके के बता रहे हैं उसको, उसको प्रैंक कर रहे हैं उसके साथ में, तो पहले गुस्सा करता है, लेकिन जब जानता है कि अच्छा शशि ने कॉल किया है, इसका काम ही है खुश रखना, अच्छा मेरी आवाज़ सुन करके सब लोग खुश हो जाएंगे, अच्छा इस कंटेंट से देख करके लोग खुश हो जाएंगे, जो आपको खुशी दे दे ना आवाज, जो आपसे खुशियाँ निकल जाए ना, वो इंसान दुनिया में सबसे महान। लेकिन इसका एक और चीज़ है कि मतलब आप जब उससे बतिया रहे होते हैं तो आपको बहुत लोग सुन भी रहे होते हैं, इसका और भी ये होता है, तो श्रोताओं का भी एक अलग मिजाज होता है कि वो क्या कह रहा है। देखिए वहाँ पर सबका अलग अलग मिजाज होता है, एक लाख लोग, लाखों लोग सुनने वाले होते हैं, अब किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, तो जो अच्छा लग रहा है लगने दीजिए, बुरा लगने के लिए तो बहुत सारा चीज़ें ऑफ करो, चेंज कर लो। अच्छा एक और बात, ये सवेरे जब आप रेडियो पे जाते हैं तो दिन भर के लिए शेड्यूल पहले से तय की जाती है या बार बार मीटिंग करके? उसकी तैयारी बहुत कसके होती है, क्योंकि किसी भी कंटेंट को ले जाने के पहले आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या लेकर के जा रहे हैं, ये एक आरजे के दिमाग में समझिए कि यहाँ पर आग लगी रहती है। एक आरजे के लिए क्या ज़रूरी है, एक यदि ये हमारे फ्रीडम के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा ये बताइए कि एक आरजे बनने के थोड़ा गुर बताइए ना। देखो भाई आरजे बनने के लिए आवाज़ मोटी और पतली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ईश्वर ने जो आवाज़ दी है वो अच्छी है, बहुत अच्छी आवाज़ है, सबकी आवाज़ अच्छी होती है, बस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, आवाज़ में उतार चढ़ाव, जो बोलो तो सामने वाले को लगे कि बंदा क्या बोलता है, और दूसरा है क्रिएटिविटी, जब ये लगने लगे ना कि बंदा ये इसकी सोच यहाँ कैसे हो सकती है यार, ये कैसे सोच सकता है, ये जब लोग सुनते हैं मुझे तो बताते हैं कि यार आप अपनी सोच यहाँ पर कैसे पहुँचा लेते हो, ये कैसे सोच लेते हो, जब ये सवाल उठने लगे ना तो समझो कि आप कुछ अलग हट करके हो और वही आरजे है।
अच्छा, आरजे बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भी बारे में कुछ बताइएगा क्या? क्या कुछ बहुत, देखिए एक सिंपल ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं, और क्रिएटिविटी में कोई ये नहीं देखा जाता है, क्रिएटिविटी में ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। हो सकता है मे बी आप क्रिएटिव आदमी हो, आप कुछ ऐसा आइडिया निकाल दें जिसमें लगे कि यार जो इसरो में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो पहले लेमैन थे, अचानक उन्होंने आइडिया जो दिया तो अच्छे से साइंटिस्ट बिहार यार ऐसे ऐसे ये कैसे सोच सकता है। तो जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं वो आप सोच लेते हैं, और सोचने के बाद आप जब वहाँ पर आते हैं लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं और दांतों तले उंगलियां दबा दे, इट मीन्स कि भाई आपने उसकी पढ़ाई कर ली है। क्रिएटिविटी की कोई पढ़ाई नहीं होती है, कब कहाँ जाग जाए भैया, कब कहाँ सोच जो है आपका चमक भर दे, कहाँ स्पार्कल कर जाए, ये कुछ कोई नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने श्रोताओं का करते हैं, और आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत धन्यवाद।